भारत में कई राज्य शुष्क राज्य हैं, यानी कि ड्राई स्टेट। इसका मतलब ये है कि इन राज्यों में शराब की बिक्री नहीं होती और ना ही सेवन करने की छूट होती है। बीते सोमवार को भारत का एक और राज्य ड्राई स्टेट नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। उत्तर पूर्वी भारत के राज्य मणिपुर में सोमवार को एक सरकारी आदेश आया, जिसके बाद मणिपुर ड्राई स्टेट नहीं रहा। अब मणिपुर में शराब की बिक्री और सेवन दोनों वैध हो गया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि शराब की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, शराब को रखना, निर्यात और आयात, ट्रांसपोर्ट, खरीद बिक्री और शराब का सेवन अब मणिपुर में वैध होगा। आपको बता दें कि मणिपुर सरकार ने यह फैसला रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए लिया है। मणिपुर के अधिकारी की माने तो सरकार शराब की इस नीति से 600 से 700 करोड़ रुपए रेवेन्यू के रूप में हासिल करेगी। बुधवार यानी कि 6 दिसंबर 2023 को मणिपुर में शराब नीति के नियम जारी किए जाएंगे, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि प्रदेश में शराब को लेकर इंडस्ट्री कैसे खड़ी होगी और कैसे ये काम करेगी। साल 1991 में मणिपुर सरकार ने मणिपुर लिकर प्रोहिबिशन एक्ट लाकर राज्य को ड्राई स्टेट घोषित किया था। फिर बीते साल सितंबर में आंशिक रूप से इस बैन को हटाया गया था। अब पूरी तरह से ये प्रतिबंध हटाकर प्रदेश पर से ड्राई स्टेट का लेबल हटा दिया गया है।